शॉट। यह है पीना कोला। ये अभी क्या बनने वाला है भैया? पीना कोला पाइनएप्पल में। ये आपका स्पेशल आइटम है नया। तो गाइस ये पप्पू भाई का ये नया आइटम है। ये कभी लॉन्च किया आपने? ये अभी आपकी वीडियो पे लॉन्च हो रहा है। अच्छा, मतलब कि हमारे वीडियो पे एक्सक्लूसिव कंटेंट जा रहा है ये। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और पप्पू भाई को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी पिछली वीडियो पे जाके देख सकता है। पप्पू भाई का स्टाइल कितना यूनिक है। बनाए बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। पीना कोला बिल्कुल। ये हमारे यहाँ का स्पेशल पीना कोला है, जो कि नारियल की मलाई में और दिलवाले में प्लस हो गया बनता है पीना कोला। इसके अंदर दूध नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्रीम पड़ती है, और जिसको क्रीम नहीं चाहिए वो भी पी सकता है। और जो दूध नहीं, जिनको जूस में दूध नहीं चलता उनके लिए बनाया गया ये चीज़। शॉट। जैसा कि पहले ही वीडियो में आपको बहुत पहले बताया गया था, पानी अपने को इस्तेमाल में नहीं लेंगे। इसकी मलाई उतर रही है, मलाई पूरी। और इसकी मलाई इस तरीके से निकालेंगे कि अंदर से टूटेगी भी नहीं। ये देखिए गाइस, एक बार दिखा दीजिए, ये पूरा निकल गया है। और इसमें जीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा, खाली। ये स्टाइल है पप्पू भाई का। नारियल तो हो गया, अब ये कौन से दिया? पाइनएप्पल पे नारियल हम इसमें इस बार यूज में नहीं लेंगे। हम नारियल का मलाई और इस बार जो खेल होगा पाइनएप्पल पे होगा। पाइनएप्पल पे होगा ये इस बार थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर्स कर रहा है। सब जूस वाले मेरे इस पे आइडिया भी देखते हैं, बनाते भी हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है, नाम भी निकलता है उनके एडवर्टाइजिंग के इस तरीके स्किल से। पर किसी को झूठ बोल के माल मत दीजिए कि यही पप्पू जूस वाला है, लोग उम्मीद लेके आते। तो गाइस मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो इनका ओरिजिनल एड्रेस है और जो ओरिजिनल पप्पू वाला है ये है। और इनका काम आप देख ही सकते हैं कितना ओरिजिनल है, बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट है और बिल्कुल हेल्दी है। इसको कोई भी पी सकता है, कोई भी पी सकता है, कोई भी एज ग्रुप यहाँ आता है पी सकता है। अच्छा, ये जो नया आइटम आपका बना है जो कि आज पहली बार आप मेरे को बता रहे हैं, तो ये इसको बनने में टाइम कितना लगता है? इसको बनने में खाली पाइनएप्पल निकालने में टाइम जो जाता है वो जाता है भाई। पाइनएप्पल एक बार निकल गया फटाफट 2 मिनट का काम रहता है। तो फिर मैक्सिमम 7 से 8 मिनट वो भी टाइम नहीं लगता है। अगर एक बार ये सब चीज़ें हम लोग शॉल पे बताया, फटाफट निकाल के पहले से ही रखते हैं हम लोग ये सब चीज़ें। कस्टमर को टाइम नहीं लगना चाहिए। पर अगर कोई कस्टमर टाइम निकाल के ये सब देखना चाहता है तो वो भी तो वो करते हो आप? तो करेंगे उसके लिए। कस्टमर देखे इसके लिए तो आपके वीडियो पे पूरा काम स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं। देखे और आए। बहुत कस्टमर आते हैं इंस्पिरेशन से, बहुत कस्टमर धुआं देके आते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हर कास्ट के लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें देख के भी। अच्छा, जब मैं आज इधर घूम रहा था तो मैंने देखा और भी, मतलब जो लोग हैं जूस वाले वो इस टाइप का कुछ बना के देते हैं, पर उसके और आपके हमें आप क्या कहना चाहोगे? टेस्ट ट्राई करो आप।
ट्राई करो, ट्राई फर्क पता चल जाएगा। आप टेस्ट करिए, आपको यहाँ टेस्ट मिलेगा, आप वहाँ अपना पैसा खर्चा करिए। कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बोल बच्चन नहीं, नहीं। आपका पैसा है, हमसे भी अच्छे लोग पड़े भाई बनाने वाले, हम कुछ भी नहीं। बॉस कैसा है ना, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी देना जरूरी है। जहाँ कस्टमर को क्वालिटी क्वांटिटी और वर्थ लगेगा वो वहीं खाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तीन चीज मिलना जरूरी है एक साथ में। आज हम ये चीज अच्छी में अच्छी बना रहे हैं, इसका टेस्ट भी ऐसा रखना है और पैसा भी ऐसा रखना है कि लोगों को कहीं से कोई तकलीफ ही नहीं हो। अब ये मिक्सी में, मिक्सी में इसके अंदर काजू डलेगा, काजू ये गाइस प्योर माल। इसके अंदर कोई मलाई रबड़ी डेयरी प्रोडक्ट नहीं सिवाय दूध के, और इसके अंदर वो भी दूध नहीं डालेगा, इसके अंदर आपको मिल्क जरा भी नहीं मिलेगा। ओरिजिनल जिसे दूध नहीं चलता है, क्रीम नहीं चलता है तो मना कर देगा, तो उसके लिए हम लोग क्रीम नहीं डालते हैं। अब जैसे कि सिग्नेचर स्टेप है हमारा, तो हम लेते ही लेते हैं। यह है पीना कोला, ये पीना, ये हमारे बादाम आ गए, पिस्ता, पिस्ता खाओगे पियोगे बनोगे बटिस्टा, ये पप्पू भाई बोलते हैं। माल भारी है, भाव सरकारी है, सब माल बिक गया, पीना कोला की भारी है। जहाँ से शुरुआत वहीं पे अंत। भैया हमारे फर्स्ट कस्टमर है जो पीना कोला टेस्ट कर रहे हैं, तो भैया टेस्ट करिए और आप कस्टमर्स एज अ कस्टमर अपना रिव्यू दीजिए और बताइए कि किसका टेस्ट कैसा है, ताकि जो भी व्यूवर्स देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है इसको और वो आना चाहे और खाना चाहे, तो एक जेन्युइन रिव्यू जो होता है एक कस्टमर का, वो हम आपसे लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ शुरू करिए। बहुत टेस्टी है ये, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो इतना बेहतर मैंने कहीं पे नहीं टेस्ट किया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि पाइनएप्पल फ्लेवर में है, जो इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और अच्छी क्वान्टिटी में, और इसका टेस्ट बहुत बेहतर है। अच्छा पप्पू भाई को अगर आप 10 में से नंबर देना चाहोगे तो आप कितने नंबर देना चाहोगे? 10 ऑफ 10, मतलब कि पूरे में से पूरे देना चाहते हो आप? और ये कस्टमर ही है, जब अपन वीडियो बना रहे थे भाई लोग पीछे खड़े थे और इन्होंने देखा, बोले कि यही चाहिए, ये हमारे कोई भी फ्रेंड नहीं है ना कोई ऐसा व्यूअर है, ये आए और खाली खाने को आए थे, तो इन्होंने बोला पाइनएप्पल नहीं है, तो इन्होंने पाइनएप्पल ही लिया है। भाई और कहीं भी खा सकता था मैं पर, लेकिन मुझे यहीं पे खाना था, मैंने देखा था भाई को, मैं बोला टेस्ट कर लेते, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं आपसे मिलकर, खुशी हुई। ओके बॉस, बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद, और बेहतर है, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल कॉस्ट में है, तो आ जाइए तो। भैया हमने एक रिव्यू देखा जो कि काफ़ी अच्छा था,
तो एक बार आप अपना एड्रेस समझा दीजिए लोगों को इस वीडियो। हमारा एड्रेस सर ये है कि मुंबई में जे पुलिस स्टेशन, जे मार्ग पुलिस स्टेशन के जस्ट अपोजिट पे हमारा शॉप है। और दूसरा, जो हमारा यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जो हमारा हॉकर है, वो है स्ट्रीट फूड में भिंडी बाजार बोरी मोहल्ला मोहम्मद अली रोड के पास। अच्छा, एक बार टाइमिंग भी समझा दीजिए आप। टाइमिंग ऐसा है कि सुबह 7 बजे शॉप हमारी वाली चालू हो जाती है जे पुलिस स्टेशन के सामने वाली, रात के समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, और हफ्ते के 7 दिन खुलती है? साल के 12 महीने हफ्ते के 7 दिन। चलिए, हर त्यौहार हर वक्त खुला ही रहता है। चलिए, तो ये थे हमारे पप्पू भाई, और आपने इनकी मेकिंग देखी। चलिए भैया, थैंक यू सो मच जो आपने